हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी देखेंगे। अपन पिछले वीडियो तक सेवन सेवन क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी वीडियो देख लीजिए इस वीडियो के बाद में। ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन क्या है देखिए, सब्रैक्ट। इसमें अपन को 8th क्वेश्चन में 3 बिट्स है, सो 3 बिट्स को भी अपन कैलकुलेट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3/4। सो 3/4 को अपन सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 1/3 में से। 3/4 को 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम बोल रहा है। ओके, फ्रॉम 1/3। सो अपन कैसे लिखना है, 1/3 माइनस 3/4 करना है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वे, 1/3 माइनस 3/4, ना ही 3/4 माइनस 1/3। सो आपका आंसर गलत हो जाएंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। सो ये नंबर को 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करो बोल रहा है। सो इसी तरह मैंने क्या लिखा, 1/3 सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस 3/4। सो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ओके, सो फाइनली आंसर आपको आएगा 4 माइनस 9, दैट इज माइनस 5/12। सो इस तरह अपन को क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। सो माइनस 5/12 इसका फाइनल आंसर। सो इसी तरह सेकेंड बिट देखिए आप, सेम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 32/13 फ्रॉम 2। सो 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस ऑफ माइनस 32/13। ओके, सो जब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 32/13 करेंगे। सो अभी अपन को क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 13 × 2 दैट इज 26 प्लस 32/13। ओके, 26 प्लस 32 जब आप करेंगे आपको आंसर आएगा 58। ओके, बाई 13। सो ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने फाइनल आंसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप अभी फर्दर कैलकुलेशन नहीं है 58/13 का। सो डायरेक्टली कोई टेबल में डायरेक्टली नहीं जाता, उसके लिए मैं फाइनली आंसर 58/13 और इधर भी माइनस 5/12 लिखा हूँ क्योंकि इधर डायरेक्ट अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ओके, अगर कुछ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन भी आप करके फिर अपन इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह इधर भी देखिए, थर्ड बिट माइनस 7 फ्रॉम माइनस 4/7। सो माइनस 4/7 माइनस ऑफ माइनस 7। सो माइनस 4/7 माइनस ऑफ माइनस जस प्लस 7 हो जाता है। सो माइनस 7/7 जा 49/7। ओके, सो देखिए माइनस 4 प्लस 49 दैट इज प्लस 45/7। ओके, सो ये अपना फाइनल आंसर है। इस तरह अपन को इस क्वेश्चन के सॉल्व करना था, अपन कर दिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर, 9th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। सो देखिए फ्रेंड, 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर्स शुड बी एडेड टू माइनस 5/8 सो एज टू गेट माइनस 3/2 बोल रहे हैं। ओके, सो माइनस 5/8 को क्या क्या नंबर ऐड करने पे अपने को फाइनल आंसर माइनस 3/2 आ रहा है बोल। सो देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, माइनस 5/8 को क्या नंबर अपन ऐड करेंगे तो अपने को आंसर माइनस 3/2 बन रहा है। सो मैं एक सिंपल इक्वेशन के तौर पे आप इसको बना दिया। ओके, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सो एडेड मीन्स मैंने प्लस साइन ले लिया हूँ, एडेड टू माइनस 5/8। माइनस 5/8 को मैंने प्लस साइन लेके क्या नंबर ऐड करूंगा तो मुझे माइनस 3/2 आ रहा है। ओके, सो अपने को पता नहीं है ये क्या करना है क्या नहीं। सो मैंने क्या करूंगा, इसको x बोल के ले लूंगा। ओके, इसको मैंने x बोल के मान रहा हूँ, इसको मैंने x बोल के मान रहा हूँ। सो मैं जब x बोल के मानूंगा और एक एक भी लिखूंगा आपको लिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, सो मैं इस इक्वेशन को देखिए आप, मैं क्या करूंगा, इधर x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये जो भी माइनस 5/8 है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 5/8 हो जाएंगे। ओके, सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 × 8 प्लस 5 × 2/2 8 = 16, दैट इज अब ये तो अपन ऐसे लिख लेंगे, माइनस 3 × 8 दैट इज माइनस 24 प्लस 10 बाई 2 8 = 16, माइनस 24 प्लस 10 दैट इज माइनस 14/16।
और भी अपन इसको फर्दर कैलकुलेशन है, जैसे कि देखिए 7 टाइम जाता है 2 के टेबल में और ये 8 टाइम जाता है, सो -7/8 इसका फाइनल आंसर है। ओके, -7/8 फाइनल आंसर है इसका। अगर अपन करेक्ट है नहीं है कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, सो अपना आंसर जो भी कैलकुलेशन है करेक्ट है नहीं है, सो अपन कैसे सॉल्व करेंगे चेक करके देखेंगे। ये आपके लिए है, जस्ट चेक करने के लिए मैंने एक सिंपल सा आपका तरीका दे रहा हूँ। -5/8 प्लस अपने को जो भी आंसर आया -7/8 इज इक्वल टू -3/2 आना चाहिए अपने को। ओके, सो -5/8 माइनस इंटू प्लस प्लस 7/8 इज इक्वल टू -3/2। सो देखिए -5 -7 ओके दैट इज -12/8 इज इक्वल टू -3/2। सो 2 जा 3 जा, सो -3/2 -3/2 आ गया। ओके, 12 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। सो इस तरह आपको सॉल्व करके चेक करके देखना है। ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो देखिए फ्रेंड, ये भी सेम 10th क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 8 बोल रहा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -5/6 फाइंड द अदर नंबर बोल रहा है। सो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 8 बोल रहा है। सो 1 -5/6 एक नंबर दिया हुआ है, सो दूसरा नंबर क्या दिया अपने को पता नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, इधर एक y बोल के ले लूँगा, अननोन वैल्यू। ओके, और इसको 8 से अपने को दोनों पे सम करने पे अपन को 8 आना चाहिए, तो मैं इधर सम ले लिया हूँ। सो सेम इसको भी क्या करना है, वाई 8, ये -5/6 को राइट हैंड साइड पे आप करेंगे तो +5/6 होएगा। ओके, 6 8 6 48 प्लस 5/6, सो दैट इज 48 प्लस 5 दैट इज 53/6। ओके, 53/6 आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो इस तरह आपको सॉल्व करना है। सो इस तरह अपन इसको सॉल्व करना है। इसको भी अपन चेक करके देख लेंगे वेदर अपन जो भी करे करेक्ट है नहीं आंसर। सो -5/6 प्लस y का वैल्यू अपन कितना आया, 53/6 इज इक्वल टू 8 करना। सो -5 प्लस 53/6 अपन डायरेक्टली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स अपने को सेम वैल्यू है। ओके, सो -5 प्लस 53 करेंगे तो आपको आंसर आएगा +48/6 इज इक्वल टू 8। 6 1 जा 6 8 जा 48, सो दोनों में देखिए 8 इज इक्वल टू 8, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सो सेम वैल्यू आएगा आपको ऑब्वियसली चेक करने पे। सो इस तरह अपन 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही सिंपल वे में। ओके, सो अभी अपन 11th भी इसके अंदर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। सो पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्या बोल के पूछ रहा है। सो देखेंगे अपन करता है नहीं करता। ओके, सो मैं एक एग्जांपल के तौर पे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ 3 रैशनल नंबर्स ले लूँगा, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव बोलते क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ओके, सो ये दोनों सेम होते नहीं होते देखेंगे। मैंने ए का वैल्यू ले रहा हूँ 1/2, बी का वैल्यू 3/4 और सी का वैल्यू मैंने -5/4 लेके सॉल्व करूँगा, वेदर अपन को सेम आ रहा है नहीं आ रहा देखेंगे। अगर नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल बोल के करना है। ओके, सो देखिए अपन, मैंने सब्स्टिट्यूट करूँगा 1/2 माइनस बी बाई सी दैट इज 3/4 माइनस ऑफ -5/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 3/4 माइनस ऑफ -5/4। ओके, सो 1/2 ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अपन एक एक करके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करूँगा और क्या वैल्यू आ रहा देखेंगे, 1/2 माइनस ऑफ 3/4 माइनस ऑफ -5/4। ओके, सो देखिए 1/2 माइनस ऑफ 3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/4 है। ओके, सो इसी को अपन देखेंगे 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस 5 दैट इज 8, 8/4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, सो 4 1 जा 4 2 जा,
अपने को आंसर माइनस वन बाई टू और टू आएगा। उसी तरह कैलकुलेशन करने माइनस टू टू ज़ा फोर बाई टू, दैट इज़ माइनस थ्री बाई टू अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अपने को माइनस थ्री बाई टू आया, और राइट हैंड साइड पे भी अपने को माइनस थ्री बाई टू आना चाहिए, वरना इसको गलत है बोलकर बोल दो। राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, वन बाई टू माइनस ऑफ थ्री बाई फोर माइनस ऑफ माइनस फाइव बाई फोर। ओके, सो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर माइनस थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, टू फोर ज़ा एट, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस फाइव बाई फोर। ओके, सो फोर माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई एट प्लस फाइव बाई फोर। ओके, सो इधर डायरेक्टली अपन कैंसिल करेंगे, वन टू वन ज़ा फोर ज़ा। ओके, सो माइनस वन प्लस फाइव फोर बाई फोर। ओके, सो देखिए जब आप करेंगे, सॉरी मैं फोर कॉमन ले लूँगा, सो फोर बाई फोर आएगा, सो अपने को आंसर वन आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अभी अपन दोनों को ऐड करके देख, दोनों को इक्वल करके देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइनस थ्री बाई टू लेफ्ट हैंड साइड आया अपने को, राइट हैंड साइड आया वन, सो ये दोनों अपने को इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल बोल के अपन बल। ओके, सो क्या होता है सब्रैक्शन में, सब्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, सब्रैक्शन इज नॉट, सब्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह अपन इस वीडियो में फोर क्वेश्चंस सॉल्व करें। ओके, सो बहुत ही सिंपल था। ओके, सो अपन इस वीडियो में यहाँ पर ही रोकेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस है अपन को इस एक्सरसाइज के, तो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।